बात करें तो फिलहाल 59,750 के आसपास है, चांदी 73,400 के आसपास है। अनुजी दोनों ही काउंटर में बताइए क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? देखिए लास्ट वीक हमने देखा था कि अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिली थी। वहीं अगर हम देखें तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एक गैप से डाउन खुला है। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से फेड की मीटिंग है और वहाँ से आउटकम ये आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट पॉज हो सकते हैं और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो यहाँ पर देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बायो डिप्स की ये दोनों काउंटर रहेंगे। हालांकि हम अगर पिछले 20 दिनों से देखें तो एक काफ़ी टाइट रेंज में गोल्ड सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि हमने देखा लास्ट वीक भी $1940 तक लेवल आए थे, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। 59,400 तक लेवल आए थे लास्ट वीक, फिर वहां से रिकवरी देखने को मिली। तो ये जो काउंटर है ये खरीदारी के रहेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी के रहेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर करीबन 59,600 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, 59,350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 60,200 60,300 तक देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर में करीबन 73,000 के आसपास खरीदारी करें, 72,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 74,200 तक देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1960 के आसपास है, हमें लगता है कि $1970-1975 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर के अंदर प्राइस $23 से काफी स्ट्रांगली रिकवर हुए लास्ट वीक और अब देखा जाए $24 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो एक अच्छा पुल बैक हमने सिल्वर में आते हुए देखा। इनफैक्ट हमने सभी बेस मेटल में पुल बैक देखा था, तो ये पुल बैक मुझे लगता है कि सस्टेन रहेगा और ऊपर हमें लग रहा है कि जल्दी ही आपको 24.5 से लेकर $25 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि डॉलर इंडेक्स अब 104 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया, वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही है। और जिस तरीके से रूपी यहाँ पर एप्रिशिएट हुआ है उससे भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक बाइंग यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डॉलर वीक होगा तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सिल्वर में बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट डिमांड और भारत में मैरिज सीजन भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी भी खरीदारी रहेगी। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट हालांकि एक टाइट रेंज में रहेगा, फेड की मीटिंग के बाद आपको अच्छे रिकवरी देखने को मिलेगी, मगर फिलहाल 2 या 3 दिन के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट में बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी देखी जा सकती है। मार्केट जब भी सपोर्ट के आसपास आए तो खरीदारी देखने को मिल सकती है। सिल्वर को